ये है इसका चीज देख रहे, कुल्हड़ पिज्जा है, कुल्हड़ चीज मैगी है, और वेज चीज पकौड़ा है, पास्ता है, और मसाला मैगी है। शिरडी में फर्स्ट लॉन्च किए हूँ कुल्हड़ पिज्जा। हेलो नमस्ते राम राम, मेरा नाम है राहुल बर्नवाल और आप देख रहे हो बर्नवाल जी ब्लॉग्स। गाइस जैसा कि अभी आप देख रहे हो, अभी हम आए हुए हैं बड़ा चौक के इलाके में, और बड़ा चौक में अभी जस्ट हम हैं, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर बुलेट शोरूम है जो कि अभी क्लोज हो चुका है। उसी के जस्ट सामने एक न्यू यहाँ पर स्टार्टअप है, जैसा कि आप देख रहे हैं बाहर से देखने में काफ़ी शानदार लग रहा है। यहाँ कुल्हड़ पिज़्ज़ा लिखा हुआ है, कुल्हड़ वाली चाय तो बहुत पी होगी, इस बार कुछ अलग हो जाए। तो इस बार अलग होगा कुल्हड़ वाला पिज़्ज़ा, वो आपके अपने शहर गिरडी में। तो आज हम यहाँ का कुल्हड़ पिज़्ज़ा टेस्ट करने वाले हैं जो कि गिरडी में बिल्कुल नया ही है एक समझ लीजिए, क्योंकि धनबाद में मैंने कुल्हड़ पिज़्ज़ा टेस्ट कर चुका हूँ। अब गिरडी में भी वैसा है कि क्या है ये तो जानने के बाद पता चलेगा। तो फिर हम जाने वाले हैं इनके पास और देखते हैं क्या क्या आइटम ये रखते हैं। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले यहाँ के ऑनर से। तो राम राम भैया। राम राम भैया, कैसे हैं? बहुत अच्छा। तो बताइए मतलब कि क्या आइटम आप रखते हैं अभी? आइटम भैया कुल्हड़ पिज्जा, कुल्हड़ चीज मैगी, अच्छा मसाला मैगी, पास्ता, अच्छा चीज पकौड़ा, पनीर चिल्ली, ये सब आइटम अभी हम अच्छा सेल कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया अभी आपका खोले हुए गिरडी में? गिरडी में खोले हुए भैया मेरा जनवरी से हम लगा रहे हैं। अच्छा स्टॉल? अच्छा जनवरी से अभी 2-3 मंथ हुआ है। अच्छा 3 मंथ? अच्छा अभी तक का मतलब कैसा रिस्पांस मिल रहा है मार्केट का? रिस्पांस होना चाहिए जी जी, रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा क्योंकि गिरडी में कुल्हड़ पिज्जा गिरडी में कहीं नहीं मिलती है। अच्छा गिरडी में फर्स्ट लॉन्च किए हूँ कुल्हड़ पिज्जा। अच्छा अभी आप क्या क्या टेस्ट कराने वाले हमें? अभी आपको हम टेस्ट करवाएंगे कुल्हड़ चीज मैगी जी, कुल्हड़ पिज्जा जी, और पास्ता मसाला मैगी। अच्छा मतलब 3-4 आइटम हम लोग टेस्ट करने वाले है ना। चलिए ठीक है भैया, तो अभी क्या आइटम तैयार कर रहे हैं हमारे लिए? कुल्हड़ चीज मैगी तैयार कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद? कुल्हड़ चीज मैगी के बाद फिर पास्ता। अच्छा उसके बाद आपका वेज चीज पकौड़ा। अच्छा उसके बाद कुल्हड़ पिज्जा। अच्छा मतलब 4 आइटम हम टेस्ट करने वाले हैं है ना। चलिए ठीक है। चीज क्या ऊपर से डालते हैं? ऊपर से चीज डाल के मेल्ट कर। तो अभी क्या बन रहा है भैया? अच्छा अभी पास्ता बना रहे हैं। कैसे बना रहे पिज्जा? कुल्हड़ पिज्जा 90 का। 90 का? हाँ इतना टाइम लगेगा बना दे रहे भैया। पास्ता हो जाएगा? हाँ ये क्या हो तैयार कर रहे हैं अभी? कुल्हड़ पिज्जा तैयार कर रहे हैं। अच्छा
तो गाइस जैसा कि देख रहे हो हमारा अभी चारों आइटम बन के रेडी हो चुका है। सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा पास्ता है, ये वेज चीज़ पकौड़ा है, ये हमारा और ये क्या क्या आइटम है, ये पिज्ज़ा है, ये चीज़ मैगी, वेज चीज़ पकौड़ा, ये पास्ता। तो ये चारों आइटम हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसका टेस्ट करने वाले हैं और टेस्ट करके बताएंगे इसका कैसा सा स्वाद। तो गाइस जैसा कि देख रहे हो अभी हमारा कुल्हड़ चीज़ पिज्ज़ा बन के रेडी हो चुका है, देखने में काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है। अब हम चलिए इसको टेस्ट करते हैं। काफ़ी हीट है, ओ सॉरी, ये कुल्हड़ चीज़ मैगी है हमारा। स्वाद की बात करूँ गाइस तो स्वाद बहुत ही लाजवाब है। ये कुल्हड़ चीज़ मैगी है और इसका प्राइस मात्र 50 रुपये है। बहुत ही स्वादिष्ट है, इसका जो चीज़ का जो स्टफिंग किया गया है उसका स्वाद इसका और बढ़ा देता है। तो इसका स्वाद तो बहुत अच्छा लगा। अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट फूड की तरफ। तो गाइस ये है हमारा कुल्हड़ चीज़ पिज़्ज़ा, तो ये टेस्ट करने वाले हैं। इसका चीज़ देखते रहे, बहुत लंबा हो गया है। स्वाद काफ़ी लाजवाब है गाइस। मैंने आप देखे होंगे तो मैंने पहला वीडियो में आप देख ही चुके होंगे, मैंने धनबाद में भी कुल्हड़ पिज़्ज़ा ट्राई किया, लेकिन इतना चीज़ स्टफिंग उसमें भी नहीं डाला गया, बहुत सारा डाला गया और ये मात्र 90 रुपीज़ की है। ये हमारा है मसाला पास्ता, अब हम ये ट्राई करने वाले हैं, देखने में काफ़ी लाजवाब लग रहा है। ये देखिए इसका मतलब इसमें चीज़ नहीं डाला गया बट फिर भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब करते इसको टेस्ट। बहुत ही ऑसम है गाइस, और ऐसा नहीं कि मैं बस बोल रहा हूँ, एक बार आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, इसका टेस्ट आपको ट्राई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसका स्वाद है कैसा। तब तक आप वीडियो को मज़ा लीजिए और मुझे देख लीजिए खाते हुए। अगर खाने का मन करे तो एक बार आना आपको पड़ेगा गिरिडी में बड़ा चौक के पास, बुलेट शोरूम के जस्ट सामने अभी इनका आउटलेट लगता है। ये वेज चीज़ पकौड़ा तो देखते हैं इसका स्वाद कैसा। ये थोड़ा सा ऑयली हो जाएगा, थोड़ा सा ऑयली है इसमें क्योंकि इसमें ये जो फ्राई होता है ना तेल में, इस कारण से थोड़ा ऑयली हो जाता है। इसका भी स्वाद बहुत अच्छा लगा है, बस थोड़ा सा ऑयली ज़्यादा है इसमें। तो गाइस टेस्ट तो हमने कर दिया, एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए भैया। एड्रेस बड़ा चौक बुलेट शोरूम के सामने जी, गिरिडीह। अच्छा, तब तक आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखते रहें।